नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से महत्वपूर्ण अपडेट्स क्या है और आने वाले समय में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के और भी विवाद होने की संभावना है। नए विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो परिणाम है वो अब बहुत जल्द जारी होने वाला है। साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि ANM भर्ती परीक्षा के लिए पहले एक नोटिस आया था PET शॉर्ट लिस्टिंग वाला, और उसके बाद उसमें जो है संशोधन करते हुए अमेंडमेंट करते हुए एक और नोटिस जारी किया गया है, और इसमें पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि जो वास्तविक स्कोर होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर है में शून्य या फिर उससे कम, मतलब नेगेटिव में अगर मार्क्स जिनके हैं उनको छोड़ करके पॉजिटिव में आपके कितने भी स्कोर हो, 0.1 भी क्यों ना हो, सभी लोग एलिजिबल रहेंगे ANM की मुख्य परीक्षा के लिए जो कि PET के बाद आयोजित हो रही है। अब इसी को आधार बनाते हुए जैसे भी लेखपाल हो गया आपका, और एक जो नई भर्ती का विज्ञापन निकला है UDA LDA और पूर्ति निरीक्षक वाला SI वाला, तो इसके लिए भी वही सेम चीज़ें हैं कि फिर यहाँ पर कितना रहेगा कट ऑफ, या फिर PET के बाद जो भी भर्तियाँ होंगी, अभी नए विज्ञापन में आप देखेंगे AGTA और KN सुपरवाइजर दोनों ही विज्ञापनों की मांग की जा रही है, तो दोनों में से किसी एक भर्ती का विज्ञापन तो मई में आने की प्रबल संभावना है, और आने वाले PET से पहले जितने अधिक विज्ञापन आ चुके ये कम से कम दोनों विज्ञापन आने चाहिए थे। इसके अलावा हालांकि और भी विज्ञापनों की मांग की जा रही थी, स्टेनो की चाहे नई भर्ती हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती हो, चाहे लोअर की नई भर्ती हो, कई भर्तियों के विज्ञापन और आने, वीडियो के देखेंगे आप नई भर्ती की घोषणा भी की गई है लेकिन विज्ञापन को लेकर के कोई भी स्पष्ट सूचना नहीं है। 22-23 की बात उसमें की गई थी कि BDO की एक नई भर्ती का विज्ञापन भी जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन आप देखेंगे UP SSSC के एग्जाम कैलेंडर में कहीं पर भी नए भर्तियों की विज्ञापन को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं है। केवल परीक्षा तिथियाँ घोषित की गई है और 3 डेट जो है आरक्षित छोड़ा गया है। तो साथियों, UP SSSC से जो भी नए भर्तियों के विज्ञापन आएंगे उनको लेकर के कोई भी पहले से घोषणा नहीं की गई है, तो हम लोग केवल यहाँ पर या तो आयोग के माध्यम से कोई जानकारी मिले या फिर हम लोग केवल प्रयास कर सकते हैं भर्तियों के विज्ञापन जारी करने को लेकर के, और PET 2021 के आधार पर जितने और अधिक भर्तियों के विज्ञापन आ जाए। अदरवाइज आपने देख लिया कि PET 2022 की भी घोषणा कर दी गई है। तो साथियों, अगर ANM परीक्षा में शून्य से ऊपर सभी लोग एलिजिबल हैं तो उसी समानता के आधार पर लेखपाल या फिर जो भी अन्य भर्ती परीक्षाएं हों आने वाले समय में, तो इन भर्ती परीक्षाओं में भी क्या इसी प्रकार से यही PET शॉर्ट लिस्टिंग का नियम लागू होगा या फिर यहां पर दूसरा नियम लागू होगा? अगर यहां पर दूसरा नियम लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर फिर विवाद होने की संभावना रहेगी। छात्र जो है समानता के अधिकार की मांग कर रहे हैं। जहाँ पर देखिए रिटन एग्जाम नहीं, जिसे आप देखेंगे लिपिक संपर्क भर्ती के लिए घोषणा की गई थी कि उसमें जो है 50% बोला गया था उसमें, और इतना ही नहीं PET की स्कोर भी वहाँ पर जुड़ने वाले हैं, और साक्षात्कार वहाँ पर रिटर्न एग्जाम नहीं होना जो एडेड विद्यालयों में लिपिक संवर्ग की भर्ती होनी है। बाकी उसमें आगे क्या परिवर्तन हो सकता है ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जो एक बार नोटिस आया था आप सभी ने देखा भी होगा। तो साथियों, यहाँ पर जब प्रोसेस एक जैसा है, मुख्य परीक्षाएँ यहाँ पर भी हो रही हैं, मुख्य परीक्षाएँ यहाँ पर भी हो रही हैं, तो यहाँ पर अगर शून्य से ऊपर वाले को सभी को मौका मिला है तो यहाँ पर भी सभी को मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं छात्रों में असंतोष की भावना होगी कि हमारे साथ जो है समानता का व्यवहार नहीं किया गया, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है यहाँ पर, और अब इसको लेकर के मांग की जाएगी UP SSSC आयोग से कि अधिक से अधिक छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। साथियों, लेखपाल के लिए और साथ ही साथ वन रक्षक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। आप सभी से निवेदन है कि उसे आप जरूर देखते रहिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल साबित होगा। लेखपाल के लिए अगर अधिक से अधिक यहाँ पर परीक्षार्थी या जितने भी परीक्षार्थी अगर 20 गुना भी अगर होते, सपोज ऐसा हो ना, अभी तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो भी आप समझ लीजिए कंपटीशन बहुत अच्छा रहने वाला है, इसलिए तैयारी भी आपकी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो PET शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए इसमें, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट या कोई भी कमेंट या आपको कोई भी सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और साथ में जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।